हेलो गाइस, 3.5 अपडेट के कुछ मोस्ट फ्यूचर जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। सबसे पहले तो आप अगर यहाँ पे प्लेन का एनिमेशन चेक करें, बहुत मजे का है। उसके बाद अगर आप मैप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे छोटे बड़े इवेंट आपको शो हो जाएंगे। दो बड़े इवेंट हैं, चार छोटे इवेंट और भी कुछ इस तरीके के छोटे छोटे आइकन बने होते हैं, तो उन सब पे हमें लैंड करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सा फ्यूचर और किस पे अगर आप एक दफा इवेंट पे मर जाते हैं तो कहाँ पे आपको लैंडिंग करनी चाहिए, कहाँ पे अच्छी लूट अच्छा सिस्टम आपको मिलने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले इवेंट पे लैंडिंग करने की। अगर आपका लैंडिंग ही सही नहीं होगा तो आप इवेंट पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये इवेंट कुछ ज़्यादा ही खुले जगह पे है और इसके अगर आप राइट पे लैंड करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे लूट नहीं मिलना, तो ये आपने मिड में रखना है। या तो इसके मिड में लैंडिंग करें या फिर इसके जो बड़े बड़े घर हैं इसके अंदर उन घरों के ऊपर लैंडिंग करें, तो आपको अच्छी लूट मिलना है और आप सही से सर्वाइव कर पाओगे। और जैसे ही आप मिड में लैंडिंग करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट से राइट यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स होंगे इस टाइप से। इस बॉक्स के अंदर आप बहुत सारा लूट ले सकते हैं। जैसे ही इन बॉक्स को ओपन करोगे इनके बाद जाके खड़ा हो जाना और आपको लूट मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हमें एक यहाँ पे थ्रोबल आइटम मिलती है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का आइटम है और ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आपने फायर बटन को दबा के रखना है और इसके अंदर एक छोटा सा जो है ना गोल दायरा आ जाएगा, वो आपने सेट कर लेना है अपनी टारगेट पे। वहाँ पे आपको कुछ 6 सेकंडों में पहुंचा देगा और इसका यूज करके आप बंदे को डैमेज नहीं दे सकते, आप जस्ट अपना कवर चेंज कर सकते हैं। अगर एनिमी की पीओवी में मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डैमेज भी नहीं होता और उल्टा ये मेरे ऊपर आके गिर जाता है बंदा और मैं थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जाता। दूसरे फीचर की बात करें तो यहाँ पे हमें एक हथौड़ा टाइप मिल जाता है, तो इसका भी यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप मिली वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर मतलब ये जो आइस बड़े बड़े आइस होते हैं उसको आप तोड़ सकते हैं। बर्फबारी को अगर आपके ऊपर अगर आपका कवर नहीं बना हुआ तो आप तोड़ के इसको मतलब सही से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और भी आगे मैं बताऊँगा कि इसका क्या यूज़ है और कैसे कैसे जगहों पे यूज़ करना है इसको। तो अगला जो हमारा वो चीज़ होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड बाद यहाँ से ये ड्रैगन जो ऊपर बैठा होता है वो उड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही उड़ेगा तो यहाँ नीचे एक भाई साहब बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स के अंदर आप बहुत सारा लेवल 3 लूट ले सकते हैं। इस बार आपको अगर इवेंट के अंदर अगर आप मर जाते हैं तब आपको रिकॉल मिल जाता है, अगर आप इवेंट के बाहर मर जाते हैं तब आपको रिकॉल नहीं मिलेगा। मतलब शर्त है आपने इवेंट के अंदर आके फाइट लेनी है और आपको रिकॉल मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो इसके अंदर हमें यहाँ पर कुछ हेल्थ टाइप की एक चीज़ मिलती है ड्रैगन ब्लड के नाम से। यहाँ पे इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये हेल्थ और आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ ये है कि आप अगर कहीं पे भी डैमेज हो जाते हैं, 1 HP डैमेज हो जाते हैं तो आपको कुछ ही सेकंडों में ये आपका हेल्थ जो है ना फुल कर देगी और बूस्टर के साथ, मतलब बड़े मज़े का है। इसको आप पर्सनली आप यूज़ कर सकते हैं, जो आप ड्रैगन के साथ फाइट ले रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है इसका। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे बाहर के साइड पे आ जाते हो तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के यहाँ पे आपको बर्फ़ मिल रहे हैं। यहाँ पे आप आ जाओगे ना, यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन मिल रखा होता है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हो आप एक बर्फ़ का गोला बन जाते हो। इसके 3 बटन हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एक कैंसिल कर लेते हैं तो आप इससे बाहर आ जाओगे, अगर आप जंप कर लेते हैं तो आप किसी भी मतलब छोटे मोटे कवर के ऊपर जंप करके आगे चले जाएँगे। अगर आप इसका बूस्ट यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको स्पीड देखने को मिलेगा। इसके ऊपर डैमेज भी होता है बंदा, मतलब ये फट जाती है जल्दी, और इसका फ्यूल भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक टाइप का व्हीकल आप बोलें वो उस टाइप का है। या फिर इस ये बर्फ़ का गोला आप बन के आप किसी भी कवर के अंदर स्टे कर सकते, किसी बंदे को सरप्राइज़ दे सकते हैं। मतलब ज़्यादातर कैंपर अगर आप हैं तो आपके लिए ये अच्छा फ्यूचर है, आप इसका भी यूज़ कर सकते। उसके बाद आपने घरों के अंदर आ जाने, इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक काम की चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, M4 यहाँ पे ये गन आपको मिलने वाला है, स्मोक ग्रेनेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्चर के नाम से यहाँ पे एक छोटा सा गन आपको मिल जाएगा। ये आप तो इसको जैसे ही आप उठा लेते हैं तो यहाँ पे आप फायर करोगे ना तो ये पिस्टल वाली जगह पे एडजस्ट होगा, और जैसे ही आप फायर करोगे तो वहाँ पे स्मोक खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आप इसको अगर आपको एनिमी POV दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने मेरे ऊपर फायर कर दिया, ऐसे कोई डैमेज नहीं होगा, जब स्मोक होंगे तो आप मतलब ईजिली स्मोक कर सकते हैं इसको उठा के। तो मतलब काफ़ी अच्छा फ्यूचर है ये भी, ये जो गन है ना ये काफ़ी मतलब सही है,
एक हद तक। उसके बाद आपने क्या करना है, इस न्यू अब फ्यूचर के यहाँ पे व्हीकल की बात करें तो ये आप लोगों को इस तो ये भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। अगर आप आ जाते हैं तो ये शेर कम मुझे कुत्ता ज़्यादा लग रहा है, तो चलो ये इसको हम शेर ही बोल लेते हैं। अगर इसके पास आप आ जाते हो तो इसको अगर आप पिक कर लेते हो तो यहाँ पे इसके ऊपर बैठ जाओगे ना तो व्हीकल का जो सेटिंग है ये यहाँ पे नहीं होना, इसकी अपने जो कंट्रोल है कुछ कस्टमाइज बटन है वो आपने सेट कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज़ कुछ इस टाइप से, आप इसको ऑटो पे लगा के कुछ ज़बरदस्त मतलब स्टंट आप बोल सकते हैं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, अब बात करते हैं इसके मैन व्हीकल का। मैन व्हीकल ये है कि यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का व्हीकल मिल जाना है। ये आपको बड़े इवेंट के अंदर मिल जाएगा, मैं पहले बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पे इस इवेंट के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसके ऊपर आपने ड्राइव कर लेना है। और ये वैसे नॉर्मल आपका जो व्हीकल सेटिंग होता है ना, जो बटन होते हैं व्हीकल बटन, उसके ऊपर चलती है। और इसके ऊपर एक और बटन ऐड हुआ है डांस का, यहाँ पे आप इसको टैप करके इससे डांस भी करवा सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियो शीडियो बनाना हो या फिर टिकटॉक के लिए यू नो जस लेने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें इसके ऊपर, अगर इसके सामने कोई घोड़ा वोड़ा आ जाता है तो वो भी मर जाएगा, और कोई व्हीकल आ जाती है तो वो भी फट जाएगा। मतलब एक दो दफ़ा अगर ये इसके ऊपर से गुजर जाए ना तो वो व्हीकल ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एनिमी की बात करें तो एनिमी इस पे नहीं बैठ सकता, अगर इसके पैरों पे फायर करे तब ये नीचे झुक जाता है कुछ सेकंड के लिए। अगर आपके ऊपर ये आ रहा है ना तो आप इससे इजीली इस तरह बच सकते हैं, इसके पैरों पे आपने फायर कर लेना है और यहाँ से ये नीचे झुक जाएगा कुछ सेकंड के लिए। तो आप इसका यहाँ पे फिर इस तरीके से यूज ले सकते हैं, आप इस पे गेट इन कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, पानी के अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, पानी के अंदर भी आप इसको यूज करके पानी से बाहर जा सकते हैं। बात करें इसके स्पीड की पानी के अंदर, तो ये मेरे ख्याल में कम इतनी स्पीड नहीं है। स्पीड के लिए एक नया जो व्हीकल है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये व्हीकल का यूज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप पानी के अंदर से गुजर जाते हैं, मतलब बहुत ही स्पीड वाला व्हीकल है। और इसकी जो है ना फ्यूल भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्यूल खाता है, और इसके बावजूद आप इसको पानी से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइप का बोट है, आपको पानी के अंदर मिल जाएगा और आप इससे पानी के बाहर भी जा सकते हैं, कवर भी होता है इसके अंदर। तो मतलब काफ़ी अच्छा फ्यूचर ये इन्होंने ऐड किया, ये व्हीकल अच्छा है, मुझे तो काफ़ी सही लगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा। अब यहाँ पे ये फ्यूचर तो हो गए, अब बात करते हैं कि न्यू यहाँ पे जो दूसरा आप लोगों को वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं उसको, इवेंट, जो चार छोटे इवेंट होते हैं। तो बहुत ही मज़े का इवेंट है, अगर इसके ऊपर आप लैंड कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बंदे शो होंगे। ये काफ़ी अच्छा फीचर इन्होंने ऐड किया है कि बंदे शो होते हैं, आपको पता होगा कि इस इवेंट के अंदर कितने बंदे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब आपको ये चीज़ देखने को मिली, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब आप इन्जॉय कर सकते हैं, इससे काफ़ी आपको हेल्प होगी। उसके बाद यहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा लैंड होते हैं, बहुत ज़्यादा लैंड होते हैं। अगर आप रैंक पुश वगैरह करना चाहते हैं और आपके पास अच्छा स्क्वाड है तब आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। यहाँ पे मैं खेल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बंदे लैंड हुए हैं, और उसके बावजूद यहाँ इसके अंदर आपको एक इस जगह से यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है, और ये आपको मतलब ज़मीन के अंदर आप चले जाएंगे, और यहाँ पे और भी काफ़ी सारा लूट, यहाँ पे कुछ इस टाइप से लूट पड़ी होती है, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे रिवॉर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और साथ साथ अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो लेफ़्ट से आप सीधा ऊपर इवेंट के अंदर आ जाओगे, और यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी आ सकते हो। तो ये भी काफ़ी मतलब अच्छा फ्यूचर है एक साइड से देखा जाए तो। ये होता है कि इसके ऊपर अगर आप इसके अंदर चले जाते हो तो इसके ऊपर बंदे होते हैं, तो इसके तीन चार रास्ते होते हैं, वहाँ से बंदे आ सकते हैं, तो कोई भी मतलब आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, आप मर सकते हो इजीली यहाँ से। तो मैं ये कहूँगा कि अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग खेलो यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो मैप के अंदर ये जो छोटे आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपने क्रिस्टल फोड़ने होते हैं, और क्रिस्टल जैसे ही आप किल करते रहोगे ना तो यहाँ पे एक टाइम चल रहा होता है, तो आपने टाइम से पहले इनको कर लेना है। और यहाँ पे जैसे कंप्लीट करोगे तो एक बॉक्स बाहर आ जाएगा, और उस बॉक्स को लूट के आप अपनी लूट लेवल बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप लूट कर सकते हो, लेवल 3 के लूट भी आपको मिल सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे रिवॉर्ड्स जो आपको इवेंट के लिए हेल्प कर सकते। तो आज मैंने बस यही टॉप जो फीचर्स थे वो कवर किए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो मेरे पास इतना बड़ा इंटरनेट या फिर इतना जो अच्छा इंटरनेट नहीं है कि जल्दी मैं अपलोड कर पाऊँ, उसके लिए माजरत। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला क्या चाहिए आप लोगों को, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है आप लोगों को, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी गेम को लेकर कोई प्रॉब्लम है वो भी कमेंट कर सकते हैं, और हम किस बारे में वीडियो बनाएं ये भी कमेंट सेक्शन में बताना कि यार टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें, या फिर आपको यहाँ इस तरह के कुछ टॉप फ्यूचर्स जो होते हैं न्यू अपडेट में वो गाइड करते रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।